तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द वायरल स्टडी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया। जी हाँ दोस्तों, जो है DFCCIL MTS की ज्वाइनिंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देखकर समझ ही गए होंगे, DFCCIL ने MTS ज्वाइनिंग लेटर रिलीज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर DFCCIL की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मतलब ज्वाइनिंग कर ली है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक बात बताने जा रहा हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यार DFCCIL के अधिकारी भी इस वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक छोटी सी मतलब मेरी एक बात बोलना चाहता हूं उन लोगों के लिए भी। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। और ये मेरा प्लीज़ ये वीडियो आप ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक देखें और बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही देख लीजिए, जिन लोगों की ज्वाइनिंग आई है यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये फोटो है दोस्तों, स्क्रीनशॉट है, ये भी मैंने ग्रुप से उठाया दोस्तों, मैं कोई अलग से मुझे पता नहीं चलता, रिक्रूटमेंट 2019 के हिसाब से आए दोस्तों। डियर कैंडिडेट यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, पोस्ट का नाम यहाँ पर बात कर लें, DFCCIL यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है MTS सिविल है दोस्तों, MTS सिविल की ज्वाइनिंग आई है दोस्तों। और यहाँ पे जो ज्वाइनिंग डेट दी गई है वहाँ पे इन्होंने दी है 21/1/2020 दी गई है दोस्तों, 21/1/2020 को इनकी ज्वाइनिंग है दोस्तों, टाइम वही दिया गया है 9:30 बजे। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे MTS सिविल की ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो था प्रूफ, जो कि मैं हर वीडियो में आप लोगों के लिए जब भी आता हूँ विद प्रूफ के साथ लेकर आता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे बात कर लें तो 115 के आसपास कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग हो गई थी सिविल में, और यहाँ पे लगभग 155 के आसपास अभी ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं कैंडिडेटों की MTS सिविल की। दोस्तों ये जो अपडेट थी लगभग 2:30 बजे के आसपास ये उनका मैसेज आया था, जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट शेयर किया था दोस्तों, और 115 से 155 वालों के ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं। और आने वाले समय में दोस्तों जैसा कि कॉल रिकॉर्डिंग से मुझे पता चला है यहाँ पे, अब नेक्स्ट जो ज्वाइनिंग होने वाली 28/1/2020 को और नेक्स्ट ज्वाइनिंग होगी, जो बाकी कैंडिडेट MTS सिविल के बचे हैं उनका ज्वाइनिंग लेटर 1 से 2 दिन में जारी हो सकता है दोस्तों। और उनकी ज्वाइनिंग डेट लगभग यहाँ पर जो मुझे समझ में आई है, जो मुझे मिला है यहाँ पर 28/1/2020 तक कम्प्लीट हो जाएगी, फाइनली MTS सिविल की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो ज्वाइनिंग होगी वो आई थिंक फरवरी में ऑपरेटिंग वालों की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, लेकिन ठीक है दोस्तों, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेकंड फेज़ वालों के लिए फ़िलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इनके लिए कोई ना कोई अपडेट आएगी। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था तो कि आपको हर जानकारी इसी पर मिल जाएगी, बस थोड़ी सी जानकारी लेट मिलेगी, लेकिन आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं होगी। तो दोस्तों फिलहाल अभी फरवरी में, जैसे अपन मान के चलें फरवरी में ऑपरेटिंग वालों की ज्वाइनिंग होती है, तो मार्च तक सेकंड फेज़ का DB और मेडिकल कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट और होना पड़ेगा सेकंड फेज़ वालों के लिए, यहाँ पे उनका जो अपडेट आने वाली है थोड़ी सी लेट हो सकती है, हो सकता है मार्च तक इनकी अपडेट आ जाए। और ऑपरेटिंग वालों की ज्वाइनिंग की बात कर लें तो यहाँ पे फरवरी में ही हो सकती है इनकी ज्वाइनिंग, इससे पहले तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 28/1/2020 तक MTS सिविल की ज्वाइनिंग कम्प्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बात की। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कुछ ज्वाइनिंग और जितनी वैकेंसी खाली रह गई थी उस बारे में बताया था, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा सा कमेंट में देखने को मिला कि एक मतलब स्टूडेंट ये बोल रहा था कि ये मेरा कॉपी है, मैंने ग्रुप में भेजा था और ये सर ने कॉपी करके पेस्ट कर दिया और मेरा नाम भी नहीं लिया। तो चलिए मैं आप लोगों की, मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को इतना दिक्कत होती है, यहाँ पर नाम लेने की बात आती है तो मैं सबका नाम ले देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं DFCCIL के अधिकारी या DFCCIL के ऑफिस जो भी लोग उससे जुड़े हैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, यदि मेरे वीडियो में कहीं भी किसी कारण बस कोई गलती या गलत जानकारी दे दी गई हो या कुछ गलत बोला गया हो, तो उसके लिए मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ। वैसे मैंने कभी DFCCIL के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला है, और यदि किसी को कोई बात मेरी गलत लगी होगी तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं और जो लोग दोस्तों सेकंड फेज़ की अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों को भी यदि मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मुझसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गई हो, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। और मेरा कभी भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता कि आप लोगों को गलत जानकारी दूँ या कुछ भी इन्फॉर्मेशन दूँ या
किसी भी प्रकार से आप लोगों को परेशान करूं, और मुझे लगा कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे माफ़ी मांगना सही रहेगा। और दोस्तों मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपको भी लगता है कि आपने अभी कभी भी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया है और आप उनसे क्षमा चाहते हैं या DFCCIL ऑफिस में क्षमा चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना मतलब आप क्षमा मांग सकते हैं। यदि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, DFCCIL के अधिकारियों द्वारा देखा गया होगा तो वो यहाँ पे देख सकते हैं आपके कमेंट बॉक्स में। यदि आपने कुछ गलत बोला हो तो आप उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, और DFCCIL के अधिकारी यदि इस वीडियो को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर बात की आप नाम की बात कर लें दोस्तों पर्सनली नाम लेने की, तो यहाँ पे चलिए मैं उनका नाम ले लेता हूँ। चलिए हाँ ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट, और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो भी कंटेंट उठाता हूँ ग्रुप से उठाता हूँ, और ये आशीष जी ने मुझे कमेंट किया था, तो चलिए मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दें कि मैं उनका नाम मेंशन नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी का नाम मेंशन नहीं किया। तो ये जो कंटेंट मैंने पुरानी वीडियो में उठाया था वैकेंसी की, टोटल वैकेंसी और सीटों को लेकर, तो वो आशीष जी के माध्यम से उठाया था। चलिए मैं उनको ये श्रेय दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और दोस्तों यहाँ पे मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कुछ लोगों के लिए, अब नाम की बात हो रही है तो यहाँ पर सभी का नाम लेना ज़रूरी है। मोस्टली मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ खुशी राज भाई के लिए, जिनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी, ऑपरेटिंग से ये बिलोंग करते हैं और सबसे पहले इनका ज्वाइनिंग लेटर आया था। इन्होंने ग्रुप में काफ़ी लोगों की काफ़ी मदद की, तो मैं इनके लिए थैंक यू सो मच और बहुत बहुत मतलब थैंक बोलना चाहूँगा, और ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो भी उनको थैंक बोलना ही चाहेंगे। आई थिंक सभी लोग इनको जानते होंगे। तो खुशी राज भाई ने बहुत हेल्प की है। और यहाँ पे MTS सिविल की बात कर लें तो यहाँ पे एक विकास भाई थे, मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता, इनका भी पूरा नाम नहीं पता, लेकिन कोई विकास भाई थे, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है ग्रुप में बाकी कैंडिडेटों के डॉक्यूमेंट तैयार करवाने में और इन्फॉर्मेशन देने में। यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन जुटा के इन लोगों ने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, तो इन लोगों के लिए तो भाई एक दिल से थैंक्स तो बनता ही है, और आप सभी लोग भी इनको थैंक्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे मैंने तीन लोगों के नाम लिए जिनका मुझे लगा कि ज़रूरी था, और जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे इन तीन लोगों के लिए तो मतलब नाम लेना ज़रूरी हो गया था। भाई ने पुराने वीडियो में कमेंट कर दिया था इसलिए उनका नाम लेना ज़रूरी हो गया था, लेकिन ये दो लोग जो हैं खुशी राज भाई और विकास भाई, इनने सच में लोगों की मदद की काफ़ी डॉक्यूमेंट तैयार करवाने में, और जो भी प्रॉब्लम आई इन्होंने खुद सॉल्व की, तो इनके लिए तो एक थैंक्स बनता ही है। तो यही मेरे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि जो लोग नाराज़ हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें, और जिन लोगों का मैं नाम मेंशन नहीं कर पाया, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सब लोग ग्रुप में एक दूसरे की मदद करते हैं और यही करना चाहिए। दोस्तों नाम की बात कर लें तो यहाँ तो फिलहाल नाम की बात होती है, तो दोस्तों आप सभी को मेरा नाम भी नहीं पता कि दवा रियल एस्टेट कौन है, लेकिन मैं नाम वाम में कुछ नहीं रखा दोस्तों, वो तो काम आप अच्छा करते जाइए, लोग अपनी आपकी तारीफ खुद ब खुद करेंगे, किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इन लोगों ने जिन लोगों ने काम अच्छे किया उनकी तारीफ के वो मोहताज हैं, और उनकी तारीफ ज़रूरी है। खुशी राज भाई और विकास भाई के लिए एक बार फिर से दिल से थैंक्स। और दोस्तों तारीफ करनी होगी आप सभी लोगों की, मैंने पुरानी वीडियो में आप लोगों से बोला था कि अब आप DFCCIL को कॉल कर सकते हैं, तो काफ़ी अधिक मात्रा में कॉल गए थे DFCCIL को, और इस तरीके से उन्होंने कोई डेट भी मेंशन कर दी थी जो कि मुझे पुरानी कल या परसों की रिकॉर्डिंग में सभी अधिकारियों ने बहुत अच्छे से बात की और सभी को अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और दोस्तों सभी को डेट मेंशन की। और देखिए दोस्तों सभी की कोई ना कोई दिक्कत होती है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम आती है तभी वैकेंसी लेट होती है, और जैसा कि DFCCIL का काम चल रहा है दोस्तों हो सकता है कि उनकी भी कोई प्रॉब्लम हो, वो बता नहीं सकते या बताना उनको सही नहीं लगता, तो आप लोग उनकी प्रॉब्लम भी समझिए और थोड़ा बहुत आप भी मेंटेन कीजिए, खासकर सेकंड फेज वाले अभी बहुत परेशान हैं और थोड़ी बहुत परेशानी और है, लेकिन दोस्तों ग्रुप में जिस प्रकार की अफवाह फैला जाती है कि अभी वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी या ज्वाइनिंग नहीं आएगी या 2021 या 2022 हो जाएगा ज्वाइन करते करते, तो ऐसा कोई नहीं है दोस्तों, आप खुद इतने समझदार हैं, आपको खुद दिमाग लगाना चाहिए कि ऐसी सिर्फ फालतू अफवाहें, जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया तो आपकी ज्वाइनिंग होगी, थोड़ी सी लेट होगी लेकिन आपकी ज्वाइनिंग 100% होगी, तो किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए दोस्तों। दोबारा स्टडी जो भी इन्फॉर्मेशन देता है सही देता है, थोड़ी सी लेट देता है, लेकिन दोस्तों आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहें, हम आपको जो भी अपडेट देंगे सही देंगे, और आई होप हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, और आपका आने वाला है नया वर्ष बहुत मंगलमय हो, हम यही सोचते हैं और यही कामना करते हैं। आप सभी के लिए एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, और हो सकता है कल की डेट में कोई अपडेट आती है तो कल की वीडियो में एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें भी आपको शुभकामनाएँ दे दूँगा।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और कोई भी दिक्कत हो या आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।